don't like the lights, but it's camera time. Said take the picture, but you rolled your eyes. Now I'm mortified and still terrorized. Push me behind to get me from my better side. I wanna push you back, but that's all you want. Wanna rub me up, I'm holding back. Tryna get me framed for me in cuffs. Said I attacked you, that's just the false truth. No need to argue, and yeah, I've had enough. You follow me anywhere I try to be alone, I find you there. There's more to me everywhere I try to go alone, I find you there. You follow me anywhere I try to be alone, I find you there. Oh, there's more to me anywhere I try to be alone, I find you there. I find you there. सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लाए हैं रॉयल इनफील्ड हिमालयन, जो कि ग्रेफाइट ब्लैक कलर में है। तो आज हम आपको इसके फीचर्स के बारे में बताएंगे और वॉक अराउंड देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में हमें हेलोजन हेडलाइट मिलता है विथ पायलट लैम्प, जो कि LED में है। तो ऑन करके आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए, तो इस बाइक में हमें हज़ार्ड लाइट भी मिलता है, तो और हमें हज़ार्ड लाइट बल्ब में मिलता है, बल्ब इंडिकेटर है। तो ये देखिए, और ये हमें डुअल फेंडर मिलता है ये दोनों तरफ। तो सस्पेंशन की बात करें तो हमें टेलीस्कोपिक फोक मिलता है। तो अब टायर्स की बात करें तो हमें 90x90 का टायर और 21 इंच का अलॉय मिलता है। तो ये ट्यूबलेस टायर नहीं है क्योंकि स्पोक व्हील्स है। और हमें इस बाइक में डुअल चैनल ABS के साथ ये बाइक मिलता है। और ये हमें रिफ्लेक्टर वगैरह में थोड़ा बहुत मिलता है इस तरफ भी और इधर। तो हैंडल पे आते हैं तो हमें हाई बीम, लो बीम, राइट लेफ्ट इंडिकेटर, हॉर्न, ये पास स्विच और ये क्लच मिलता है। तो हमें सिंगल हैंडल मिलता है। तो ये हमें इग्निशन ऑन ऑफ, और ये हमें हज़ार्ड लाइट का है ऑप्शन, और ये हमें सेल्फ स्टार्ट मिलता है। तो मीटर को ऑन करते हैं तो हमें एनालॉग और डिजिटल में मीटर मिलता है। एनालॉग में हमें स्पीडोमीटर, RPM मीटर और ये फ्यूल गॉज वगैरह मिलता है। तो डिजिटल में हमें ट्रिप मीटर, ओडोमीटर, टाइम, टेम्परेचर और ये हमें इंडिकेटर मिलता है। और इस तरफ हमें ये गूगल मैप मिलता है। और इस तरफ हमें ये बटन को प्रेस करने पे तो ट्रिप ए, ट्रिप बी, ट्रिप एवरेज, फिर ये ट्रिप बी एवरेज और ये किलोमीटर एफ फुल किलोमीटर बताता है। तो ये मोड को प्रेस करने पे ये ABS ऑन ऑफ होता है। तो ये इसमें लॉक फीचर है, तो वो जब तक लॉक अनलॉक नहीं होगा तो तब तक चेंज नहीं होगा। तो मीटर को ऑफ करते हैं। तो टैंक की बात करें तो हमें 15 लीटर का टैंक मिलता है प्लस 0.5 लीटर का रिज़र्व टैंक मिलता है। तो ये हमें टैंक डुअल कलर में मिलता है, एक मैट में और एक ग्लॉस में है। तो इस तरफ हमें कुछ ग्राफिक्स वगैरह मिलता है। यहाँ पे हमें रॉयल इनफील्ड का बैजिंग मिलता है और इस तरफ हमें हिमालयन का, ये इंजन पे भी रॉयल इनफील्ड का बैच मिलता है। और तो वैसा कुछ कहीं ग्राफिक्स वगैरह है नहीं, तो इस तरफ से दिखा देते हैं। तो इस तरफ से रॉयल इनफील्ड और यहाँ पे, और ये हिमालयन का लोगो मिलता है। 411 cc का इंजन मिलता है, सिंगल सिलेंडर, 4-स्ट्रोक एयर कूल्ड इंजन है, SOHC। तो पावर की बात करें तो हमें 24.31 PS का पावर मिलता है और 31 Nm का टॉर्क मिलता है। सिंगल सिलेंडर है, एयर कूल्ड इंजन है, चेन ड्राइव है और हम इस बाइक में सेल्फ स्टार्ट ऑप्शन सिर्फ मिलता है। और FI इंजन है। तो हमें इग्निशन, हमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन मिलता है। इस बाइक में भी हमें 5-स्पीड गियर बॉक्स मिल रहा है। टायर की बात करें तो हमें 120x90 का टायर और 17 इंच का अलॉय मिलता है, स्पोक व्हील्स है क्योंकि ये ट्यूबलेस टायर नहीं है। तो हमें डुअल चैनल ABS के साथ ये बाइक मिलता है। और उस तरफ हमें
सारी गार्ड मिलता है, और इस तरफ भी हमें ये देखिए, और ये हमें साइलेंसर जो काफ़ी ऊंचा करके लगाया गया है, और इस तरफ से भी आपको फुटपैक वगैरह दिखाते हैं, ये देखिए। और यहाँ पे तो इस बाइक में हमें साइड स्टैंड कट ऑफ स्विच मिलता है और 5-speed गियरबॉक्स मिलता है। तो टेल की बात करें तो हमें बल्ब टेल लाइट मिलता है, और ये हमें इंडिकेटर भी बल्ब में ही मिलता है, हज़ार लाइट भी है, और ये हमें नीचे में वाइट कलर का LED लाइट मिलता है जो कि नंबर प्लेट को दिखाएगा, और इस तरफ हमें रिफ्लेक्टर मिलता है, और कहीं पीछे में रिफ्लेक्टर वगैरह तो नहीं मिलता है। तो सीट की बात करें तो सीट भी हमें काफ़ी अच्छा कुशन मिलता है, और काफ़ी बड़ा सीट मिलता है। तो इस तरफ हमें ये कुछ लगेज वगैरह रखने के लिए है, तो इसमें हमें मैक्स लोड 7 kg का मिलता है, और काफ़ी सही भी है, काफ़ी बल्की भी लग रहा है बाइक, और भी ज़्यादा लग रहा है बल्की। तो सीट भी हमें काफ़ी अच्छा कुशन मिल रहा है। तो बाइक को ऑन करके आपको दिखाते हैं। देखिए बंद हो गया, और यहाँ पे G1 दिखाने लगा, ये गियर है, गियर पोजीशन है। कर वेट की बात करें तो हमें लगभग 199 kg का ये बाइक मिलता है। तो माइलेज की बात करें तो 30+ किलोमीटर पर लीटर का माइलेज हमें कंपनी क्लेम करती है। तो इस बाइक की प्राइस की बात करें तो हमें 2,22,526 एक्स शोरूम हमें यह बाइक मिल जाएगा। तो होप सो गाइस वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं सही किसी और वीडियो में, टिल देन हैव ए नाइस डे।